सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया फ्रेश एडिटिंग का वीडियो लेकर। सो गाइज, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला है कुछ स्टेप्स अपनी स्किन को स्मूथ कैसे करें, और कुछ इस तरीके का पूरा बैकग्राउंड कैसे बनाएं, और कुछ इस तरीके से अपने कपड़ों पर चमक कैसे लाए। सारा ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, और आज की एडिटिंग जो है बहुत ही आसान होने वाली है। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन अभी जरूर से दबा दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज, हम आपको दिखा देते हैं पहले हमारी फ़ोटो कैसी थी। तो गाइज, ये रही हमारी पहले वाली फ़ोटो। आप देख सकते हैं कैसी हमारी स्किन है और किस तरीके का हमारा पूरा फोटो है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फीका दिखता है हमारा फोटो। इसको हमने जब गाइज एडिट किया है तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने एडिट होकर आया है, जो कि बहुत ही औसम दिखता है, आप देख सकते हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा वक्त ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारी फ़ोटो को लेकर आ जाना होगा लाइट रूम में। तो लाइट रूम में गाइस, इस फोटो को हम एक प्रीसेट की मदद से एडिट करने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। हम गाइस प्रीसेट से इसलिए एडिट कर रहे हैं ताकि हमारा वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो। सो गाइस, ये रही वो प्रीसेट जिसका यूज़ करके इस फोटो को हमें थोड़ा सा एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस, इस प्रीसेट को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल सा ऊपर थ्री डॉट दिख रहा होगा, उस पर हमें क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा कॉपी सेटिंग पर हमें क्लिक कर देना होगा, देन या एस वाले मार्क पर क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ पर क्लिक करके गाइस, फिर से हमें उसी फोटो में आ जाना होगा जिसको हमें एडिट करना है। सो गाइस, यहाँ पर भी हम लोग थ्री डॉट पर क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ पर हमें पेज सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, आप देख सकते हैं पेज सेटिंग करते ही कुछ इस तरीके की हमारी पूरी फोटो जो एडिट हो जाएगी एक एक क्लिक में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो चुका है हमारा फोटो, सिंपल सा एक ही स्टेप में हमने इतना कर दिया है। अभी गाइस, हमारे कपड़ों पर हमें कलर ऐड करना होगा। सो उसके लिए सिंपल सा शेयर पर क्लिक कर देना होगा, देन या सेव टू डिवाइस कर लेना होगा इस फोटो को, और इस फोटो को लेकर आ जाना होगा स्नैपचैट में। हमारा अगला स्टेप जो है स्नैपचैट में होने वाला है। तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारी फोटो को लेकर स्नैपचैट में। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ टूल्स पर हमें क्लिक कर देना होगा। सो अभी गाइस, यहाँ ट्यून इमेज पर हमें क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, यहाँ से इसका कंट्रास्ट है ना गाइस, उसको मैं हल्का सा बढ़ा लेना होगा, करीबन इतना, ठीक है। सो सैचुरेशन को भी हमें इंक्रीज कर लेना होगा कुछ इस तरीके से, और गाइस एम्बिशन है ना उसको भी हमें करीबन इतना इंक्रीज कर लेना होगा। सो इतना कर देने के बाद सिंपल सा इसकी हाईलाइट है ना गाइस, उसको हमें डिक्रीज में कर देना होगा, करीबन इतना कर देना है। देन यहाँ से शैडो को इंक्रीज कर लेना होगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो चुका है हमारा फोटो। अभी गाइस, यहाँ से हमें डन कर देना होगा। तो गाइस, इतना करने के बाद सिंपल से हमारे ड्रेस पर हमें कलर ऐड करना होगा, पिंक वाला। तो गाइस, कलर ऐड करने के लिए सिंपल से टूल्स पर हमें क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ क्रॉप वाले ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना होगा, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर गाइस, ये कलर वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ से रेड वाला कलर हमें सिलेक्ट कर लेना होगा, और इसके सारे बिंदु को हमें ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से खींच लेना होगा, ठीक है गाइस। इसके सारे बिंदु को हमें ऊपर की तरफ खींच लेना होगा, ठीक है। सो अभी गाइस, यहाँ फिर से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रीन वाला कलर हमें सिलेक्ट कर लेना होगा, और इसके सारे बिंदु को हमें नीचे कुछ इस तरीके से खींच लेना होगा, ठीक है। सो इतना कर देने के बाद सिंपल से गाइस, यहाँ से हम डन करेंगे। अभी गाइस, सिंपल से यहाँ एरो पर हमें क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ व्यूज एडिट में हमें चले जाना होगा, ठीक है गाइस। सो व्यूज एडिट में आ जाने के बाद सिंपल से क्रॉप वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ ब्रश पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। सो यहाँ ब्रश पर क्लिक करने के बाद सिंपल से गाइस, हमें हमारे ड्रेस पर उस कलर को जो है ऐड कर लेना होगा, ठीक है। नीचे क्रॉप वाले ऑप्शन पर हमें 100 रखना है, और कुछ नहीं करना है, सीधा हमें कलर ऐड कर लेना होगा, ठीक है। सो चलिए, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस, हमारे ड्रेस पर जो है कलर ऐड हो चुका है। अभी का सिंपल से यहाँ से हमें डन कर देना होगा। सो यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो चुका है हमारे ड्रेस पर कलर ऐड हो जाने के बाद। अभी गाइस, हमारे फेस पर हमें लाइट लानी होगी। सो उसके लिए सिंपल सा टूल्स पर क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ सिलेक्ट वाला ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना होगा, और जहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट है उसको हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, और उसके ब्राइटनेस को हमें बढ़ा देना होगा, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से सारे फेस को जो है हमें वाइट कर लेना होगा, ठीक है। सो चलिएगा, मैं जल्दी से भी कर लेता हूँ ताकि मेरा वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो। इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम जाएगा गाइस, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमारा पूरा फेस भी मैनेज हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो चुका है हमारा फोटो। सो गाइस, फाइनली हमारा पूरा फोटो जो है यहाँ पर एडिट हो चुका है। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो जो आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा। पसंद आए तो गाइस, वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर ऐसी एडिटिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।